भारतीय स्टार बल्लेबाज शिखर धवन इन दिनों अपने करियर के खराब फेज से गुजर रहे हैं। धवन लंबे वक्त से टीम से बाहर हैं। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच दिसंबर 2022 में खेला था। करियर के अलावा उनकी निजी जिंदगी भी काफी उथल पुथल चल रही है। कुछ वक्त पहले शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। अब धवन ने इस बात पर चुप्पी तोड़ी और उन्होंने बताया कि आखिर क्यों वो इस फील्ड में फेल हो गए। धवन ने एक इंटरव्यू में बताते हुए कहा कि मैं फेल हो गया क्योंकि आखिरी फैसला इंसान का होता है। मैं दूसरों पर उंगली नहीं उठाता। मैं इसलिए फेल हुआ क्योंकि मैं इस फील्ड के बारे में जागरूक नहीं था। क्रिकेट के बारे में आज जो बातें कर रहा हूँ, 20 साल पहले इनके बारे में जागरूक नहीं था। यह अनुभव के साथ आता है। पहले 1-2 साल इंसान के साथ बिताएं और देखें कि दोनों के संस्कार मिलते हैं या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोंटिंग ने इस बात को माना कि चाहे कोई भी टीम में शामिल हो, लेकिन कोई भी ऋषभ पंत की जगह नहीं ले सकता है। उन्होंने कहा कि सरफराज खान और यश धूल जैसे खिलाड़ियों को मिडिल ऑर्डर में खेलने का मौका मिल सकता है। हमारे पास रोम मिल पॉवेल और अक्षर की बल्लेबाजी में भी काफी सुधार आया है, इसलिए हम ऋषभ पंत की जगह एक कवर ढूंढने की कोशिश करेंगे।